नमस्कार, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मटर की बंपर आवक होती है। यहाँ का मटर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक जाता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने जबलपुर के हरे मटर के टैग दिया है और एक जिला एक उत्पाद में रखा है। मटर की शुरुआती फसल तो अच्छी हुई और किसानों ने इसमें मुनाफा भी कमाया, पर बीते एक सप्ताह से मटर को रहस्यमय रोग लग गया है। जी हाँ, बता दें, इस रोग से हजारों हेक्टेयर मटर की फसल बर्बाद होने की कगार में है। रोग लगने के बाद मटर में सफेद दाग आ गए हैं और 2 से 3 दिन में फसल मुरझा कर खराब हो जाती है। इस रहस्यमय रोग ने किसानों के माथे में पसीना ला दिया है। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि मटर में लगे रोग को RUST हिंदी में गेरुआ कहते हैं। इस रोग की चपेट में करीब 15,000 हेक्टेयर मटर की फसल आ चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। जबलपुर जिले में करीब 40,000 हेक्टेयर में मटर की फसल लगाई जाती है। किसानों की ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसे नगदी फसल भी कहा जाता है। गेहूं, चावल और अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा हरे मटर की फसल किसानों के लिए लाभकारी भी होती है। यही वजह है कि जबलपुर जिले का अधिकतर किसान मटर की फसल की तरफ बढ़ रहा है। इस साल बारिश भी काफी हुई थी जिसके कारण मटर की बुआई देरी से हुई। बता दें, अभी मटर की फसल पीक पर है, मटर के दाने अच्छे आ रहे हैं। किसानों को लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक से आए रस्ट रोग ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे शुरुआती दौर में कोरोना का कोई इलाज नहीं था, ठीक उसी प्रकार सभी रस्ट का इलाज नहीं है। जिस भी फसल को ये रोग लगेगा उसे बर्बाद कर देगा।